अगर किसी का करेक्टर खराब है तो तुम उसको। इस इंसान ने अपनी गर्लफ्रेंड की माँ को प्रेग्नेंट किया है। पेट में बच्चा है मेरा और ये बात। अरे टेंशन मत ले। ये अरे देखो ये तो मैं हैंडल कर लूंगी। क्या करने की क्या चल रही है? इसमें भी मैं समझू ठीक है? अरे कितनी सी बात है ना ये तो सारा। तुम समझ क्यों नहीं रहे यार, मुझसे मिस्टेक हुई है और उन्होंने खुद फोन किया। मिस्टेक है ये। कोई तुम्हारे कोई किसी किसी लड़की कोई लड़के को अगर टच वगैरह करेगा खड़े होकर अकेले रूम में, ऐसा ही होता है यार। हो गई थी मिस्टेक यार। झूठ बोलने की ना जरूरत नहीं है बिल्कुल भी ठीक है। बोल रहा हूं मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूं। और ये सच है मतलब क्या समझ रखा है तुमने मेरी माँ को? अरे समझ नहीं रखा, उनकी नेचर ही ऐसा है। तुम समझ उनका नेचर, तुम ही खराब हो ठीक है। तुम्हारा मुझे पता नहीं है क्या, कैसे हो तुम कैसे नहीं हो? आज तुम ऐसा बोल रही इतने टाइम बाद, मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। तुम कुछ भी बोलोगे मैं मान लूं ठीक है। माँ के बारे में वो भी मेरी माँ ना तुम्हारी माँ जैसी है ठीक है। माँ जैसी है मानता हूँ, पर उनका कैरेक्टर सही नहीं है यार। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी का कैरेक्टर खराब है तो तुम उसको पेट से कर दो। हाँ इधर 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 बात करना मेरे से। वीडियो बनवाने के लिए आ गए, अपने कैरेक्टर को साफ करने के लिए आ गए। ये नहीं देख रहे कि तुम जिससे शादी करने वाले हो उसकी माँ के बारे में कुछ भी बोला जा रहा है। दानिश भाई मेरी गलती नहीं है यार, वो यार मुझसे कैसे मैं कैसे बताऊं यार। कैसे बताते हैं बताओ? झूठ बोलते हुए भी तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा ना? तुम्हारी अभी भी मना कर दो कि ये सब झूठ है ठीक है। सारा ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे फोर्स किया गया था यार। अगर तुम्हें मुझे छोड़नी है ना तो ऐसे छोड़ दूंगी ठीक है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। करेगा और तुम उसके साथ सो जाओगे, तुम उसको प्रेग्नेंट करोगे। मैं नशे में था उस वक्त, मुझे कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं। अब मैं देखो लड़कों की यार बॉडी ऐसी होती है कि हो गया था मिस्टेक। एक पूरे दुनिया में एक इकलौता तुम ही इंसान हो कि किसके साथ तुम सो रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो। भैया ये ना झूठ बोल रहे हैं, मेरी माँ बिल्कुल भी ऐसा कर ही नहीं सकती। सारा मेरी माँ से बहुत प्यार करती है, मतलब बच्चे की तरह रखती है। उनकी नजर बहुत टाइम से थी मुझ पे, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो तो मुझे पता नहीं चलता क्या मेरी माँ कैसी है कैसी नहीं है। तुम अभी अभी आए हो ठीक है, मैं बचपन से रह रही हूँ उनके साथ। अच्छा तुम मतलब आज मुझसे ज्यादा तुम्हारी मम्मी इम्पोर्टेंट हो गई। हाँ है। कौन भाई इम्पोर्टेंट नहीं होता, कौन माँ इम्पोर्टेंट नहीं होता, मुझे एक बात बता दो। होता है इम्पोर्टेंट, बट यार भरोसा चीज होती है। एक साल से मेरे साथ है, आज ही ऐसा बोल दिया बताओ। ये 20-25 साल से अपने माँ के साथ है यार, शादी होने वाली। तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हें कोई और पसंद है ना ऐसे ही बोल दो, ये ड्रामा करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। आज जो वीडियो बनवाने के लिए आए हो वो वीडियो इसलिए ना कि ताकि तुम्हारा करैक्टर साफ सुथरा हो जाए। दानिश भाई ने इसीलिए आया हो कि मेरा करैक्टर साफ सुथरा हो जाए। अच्छा बट ये बिलीव क्यों नहीं कर रही है यार? कौन करेगा, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। चल बता, इतनी सी बात है ना ये जो मैं बिलीव कर लूँ तुम्हारे ऊपर? मैं तुम्हारी माँ के बारे में ऐसे बोलूँ, ये बाप के बारे में बोलूँ, तुम मान लोगे क्या? समझ में आना चाहिए कि कब क्या किसके लिए बोल रहे हो। स्टार्ट करो कैमरा। समझ में नहीं आ रहा है कि कब क्या बोलना है, कब किसको बोलना है। सच्चाई कितना है इस बात में, सच बताना, एक एक बात सच बताना कि सच्चाई कितना है। सच्चाई ये देखो दानिश भाई, जब मैं इनसे मिलने आता था इससे सारा से, तब जो है ये जब बाहर जाती थी कुछ टाइम के लिए, तो इसकी मम्मी जो है मुझे मतलब टीच वगैरह करती थी। कुछ भी बोल रहे हो। बैठ जाओ बहन, तुम बैठो अभी। आज तुम हाथ उठा रही हो। नहीं तुम्हारे तो मैं पूजा करूँ ना। तुम्हारे जैसे इंसान को ना यहाँ पे गड्ढा खोन कर डाल देना चाहिए, हाथ तो दूर की बात है। तुम एक माँ के बारे में इतना कुछ बोल रहे हो। कितना दिन से इसके साथ हो तुम, कितना दिन से इसके साथ हो, क्या है मतलब? एक डेढ़ साल से। शादी वादी का भी इरादा हो रखा है? हाँ। कब ये इंसान बता रहा है कि ऐसा ऐसा चीज हुआ है? एक दो हफ्ते से। क्या बोला है, क्या चीज है? तुम बात क्यों अपने घर में? मेरी मम्मी ऐसा कर ही नहीं सकती। किया है मैं, तुम्हें भरोसा नहीं? एक सब दौर नहीं ठीक है, बस यार हो गया। चुप रहो बिल्कुल। दोस्तों मुझे नहीं करनी तुमसे शादी वादी, जिन्हें यही ना बताओ माँ होती क्या है। और बात है तो बता दो, मगर ऐसे ना किसी के माँ के ऊपर इल्जाम लगाना बहुत गलत बात है। अरे दानिश भाई मैं कैसे समझाऊं यार,
ये और जो तू बोल रहे हो ना कि उसकी माँ गलत है, वो फोर्स कर रही है, जबरदस्ती ऐसे कर रही है, उसकी उसकी माँ फोर्स कर रही है, उसकी माँ का कैरेक्टर सही नहीं है। चुप रहो, चुप चुप, ताला किसी के माँ के ऊपर बोलने से पहले 10 बार सोचो ना। दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूँ कि यह इंसान आज मेरे पास आया था कि भैया मेरा वीडियो बनवा दीजिए क्योंकि मेरे साथ ना गलत हो रहा है। और गलत क्या हो रहा है, इस इंसान ने अपनी गर्लफ्रेंड की माँ को और इसके साथ गलत हो रहा है। और कोई किया है ना तो वो जबरदस्ती करवाया गया है, है ना? हाँ जबरदस्ती। साले चुप रहा, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ना तुम्हें? कर सकता हूँ साबित? हाँ मैं साबित कर सकता हूँ, हाँ मैं प्रूफ करूंगा। कैसे करोगे प्रूफ तुम? मैं प्रूफ करूंगा। कैसे करोगे? सोच लो, अगर तुम गलत साबित हो गए, अगर तुम किसी भी रीजन से अगर तुम गलत साबित हो गए तो साले यहीं पर गड्ढा खोद कर डाल लूंगा उसे मैं। ठीक है मुझे मंजूर है। फिर तुम्हारे साले कब्र के ऊपर ना खड़ा होकर वीडियो बनाऊंगा। मैं साबित करूंगा, मैं साबित करूंगा। कर दोगे? सोच लो। हाँ मैंने सोच लिया, मैं साबित करूंगा। फिर सारा फिर तुम मुझे भूल जाना, हो गया बस। ये तो क्यों करेगी तुमसे शादी, क्यों करेगी? तुम्हारा रिश्ता तो अभी भी ऐसे ही खत्म हो चुका है। तुम अगर इसकी माँ को प्रेग्नेंट की हो तो जाहिर सी बात है तुम इसका दूल्हा बनोगे, समझे? तुम इसके बाप हो जाओगे, बाप। अल्लाह बदतमीज इंसान। जो भी प्रूफ करना है ना जल्दी करो। हाँ। मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। ठीक है, मैं एक काम करो, तुम इसकी माँ को अभी यहाँ पे बुलाओ, ठीक है? और जो भी बात है ना उसके मुंह से निकलवाओ, जितना तुम कर सकते हो उतना करो अभी यहाँ पे, समझ में आया कुछ? अगर गलत साबित हुए तो देख लो तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। ठीक है मैं जो इसकी माँ को इसने प्रेग्नेंट किया है, ठीक है मैं करता हूँ। और कैमरा चालू रहेगा, जब इसकी माँ आ जाएगी तुम्हें मैं बताता हूँ तुम्हें क्या क्या करना है। बुलाओ, उसके बाद जो भी चीज़ होगा ना सारा चीज़ अभी रिकॉर्ड करके दिखाएंगे कि ये इंसान झूठा है कि इसकी माँ जो है वो सच में ऐसा है। ठीक है ठीक है, मैं फ़ोन लगाता हूँ इनकी मम्मी जी को। ठीक है, माँ जी। हाँ, क्या हाल है? ठीक है, आप बताओ अपने। और क्या हाल चाल है? ठीक है। शादी की तैयारी कैसे चल रही है? शादी की तैयारी अब थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम यही है कि सारा मान नहीं रही है ना। क्यों नहीं मान रही सारा को? मैं मना लूँगी, उसकी टेंशन मतलब वो गए हैं, जैसे मैं कहूँगी वो वैसे ही करेगी, आप इस चीज़ की टेंशन नहीं मत। नहीं पर ये मतलब टेंशन लेने की जरूरत, ठीक नहीं है ना, ये गलत एक है। बार शादी कर लो, घर जमाई बन जाओ, बाकी सब मैं देख लूँ, टेंशन मतलब शर्माने की कोई बात नहीं है। नहीं पर ये गलत है ना, जो ना हुआ है जो भी मतलब ये मिस्टेक थी, ये गलती है यार। अरे छोड़ो सब चीजों को, एक बार शादी करके घर जमाई बन दो, बाकी मैं हैंडल कर लूंगी, सारा को मैं हैंडल करूंगी, टेंशन नहीं, नहीं, नहीं। शर्माने की जरूरत नहीं, वो वैसे भी नहीं मान रही। और अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी टेंशन है सब, बाकी मैं हैंडल करूंगी सब कुछ, सारा को मैं हैंडल कर लूंगी। मैंने आपके बारे में जो है मतलब बता दिया उसी की ऐसा ऐसा हुआ था। वो कुछ नहीं मानेगी, वो मेरी बात मानेगी, आपको कभी नहीं मानेगी, उसको पता है कि इसकी माँ अच्छी है, आपकी कभी जिंदगी में बात नहीं मानेगी, ध्यान रखना हमेशा, उसे पता है माँ हमेशा सच बोलती है, और इसलिए ये चीज़ तो आपसे टेंशन नहीं मतलब, आप सब चीज को छोड़ो, आप शादी की तैयारी करो। अरे नहीं, घर जवाई बन के आ जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा, टेंशन नहीं मतलब आप, बाकी सारा हैंडल मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, मान जाएगी, वो ये नहीं मानेगी कभी भी कि माँ गलत है, हमेशा ध्यान रखना। पर हमने जो किया वो गलत था ना यार। अरे उस चीज की टेंशन मत लो, हैंडल मैं करूंगी सब कुछ, टेंशन मत लो। नहीं ये गलत है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नहीं, नहीं ये बार बार नहीं होगा, मैं नहीं चाहता ये सब करना, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। नहीं मैं ये सब नहीं करना चाहता, ये गलत है बार बार हैंडल करने के, एक बार शादी वजह हो जाए, बाकी सारा की टेंशन मेरी है सारी। नहीं पर ये गलत है। अरे कुछ नहीं होता, शर्माते नहीं है जमाई बाबू जी। नहीं ये गलत है। क्यों गलत है? नहीं ऐसा नहीं, बेटी की शादी तो करनी है ना। जो भी हुआ था वो एक मिस्टेक थी, एक गलती थी। अरे सारा एक बार घर जमाई बन के आ जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा, टेंशन सारा नहीं मानेगी, और टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं पर ये गलत है यार, ऐसा नहीं होगा बार बार।
एक बार मेरी बात सुनो। नहीं नहीं नहीं, अरे सुनो तो सही दामाद जी, पर आप मेरी माँ जैसी हो यार, आप ऐसे कैसे कर सकती हो? माँ जैसी तो नहीं, माँ तो नहीं हूँ ना। नहीं फिर भी आप माँ जैसी हो, ऐसा नहीं होगा, बार बार मुझसे गलती होगी यार। नहीं ये गलत बात है, मैं अपने सारों को संभाल लूंगी, मेरी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं ऐसा बार बार नहीं होगा, देखो ऐसा नहीं होगा बार बार। रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, मेरे को मेरी बात मानती है, आप टेंशन मत लो। आप मेरी माँ जैसी हो, आप समझते क्यों नहीं हो यार, ऐसा बार बार नहीं होगा। मैं माँ जैसी हूँ, मुझे मालूम है माँ जैसी। तो ठीक है ऐसा मत करो दोबारा यार। अरे नहीं यार, यार सारा को बहुत बुरा लगेगा, देखो उसे मैंने पहले ही बता दिया, उसे बहुत बुरा लग रहा है, और पता चलेगा तो हमारे बारे में नहीं करते, देखो बहुत बदनामी होगी तुम्हारी। अरे तुम एक माँ जैसी हो, मैं अपने सब कुछ हैंडल कर लूंगी, देखो हैंडल कर लूंगी, घर में पता चलेगा। देखो आपके पेट में बच्चा है मेरा, और ये बात टेंशन मत ले ये, अरे देखो ये तो मैं हैंडल कर लूंगी, ये अरे वो सब चीज छोड़, वो मेरी मैं बात सुनो, मेरी बात सुनो, टेंशन नहीं है। अब मेरी बात सुनो, एक बार शादी कर लेते हैं, करने दे बेटी के साथ, फिर हम मजे करेंगे। देखो अगर तुम्हारे घर पे पता चल गया, सार को पता नहीं चलेगा, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। अरे ऐसे तो मैंने कितने बच्चे गिरा दिए। अरे अरे टेंशन मत ले यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? आप मेरी माँ जैसी यार, कुछ नहीं होता। अरे यार नहीं, देखो ये गलत है, कुछ नहीं होता गलत, आजकल सब सही है। बहुत बदनामी होगी आपकी, नहीं होगी, मैं किसी को पता ही नहीं चलने दूंगी, टेंशन मत लो। आपके घर पे सारा को पता चलेगा, क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं, सब सुन लिया मैंने। नहीं आप तेरे से मिलने आए भाई, वैसे भी आपसे मिलने आए। हाँ, अच्छा? मिलने आए, तेरे से तो मिलने आए। क्या करने आई हो? मैं जी अभी आया हुआ था, घर पे आई हूँ, तो मैं बैठा हुआ था, मैं भी उससे बात करने लग गई। ऐसे बात करते हैं चुपचाप? हाँ, क्या हो गया? तो बैठो नहीं। अरे मैं कुछ कहा थोड़ी इसको, दामाद जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सब सुन लिया मैंने, मैंने कुछ नहीं करा। दामाद जी झूठ बोल रहे हैं, क्या कह रहे थे ये? दामाद जी सच बोलो, क्या हुआ है? ऐसी बेशरम माँ है तू है? क्या बोला है मैंने आपको? बच्चलन माँ है। कुछ भी नहीं बोला मैंने इसको। गुनगुना रही थी कि मेरी माँ जैसी कोई नहीं। मैं झूठ बोल रहा है? मैं मानता हूँ कि यार माँ सबकी ना अच्छी होती है, मगर तुम्हारी माँ जो है, अरे ये झूठ बोल रहा है दामाद जी, झूठ बोल रहा है पति को खा, अरे ये झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं है कहा, मैं कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। मुझ पे यकीन नहीं था ना, अब देखो। अरे ये झूठ बोल रहा है, ये रो के दिखा रहा, खाली एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, और क्या, इसके आंसू नकली है। तुम्हारे पेट में जो इसका बच्चा पल रहा है वो क्या है, नकली है या असली है? शर्म आ रही है थोड़ी सी भी? इसने मुझे चमत्कारी करी है, इसने मुझे चमत्कारी करी है, जबरदस्ती करी है, दिख गया है सारा। आज तक तुमसे झूठ बोला है कभी? तुम जबरदस्ती कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करी है, इसकी गलती है सारी। ये तेरे को भी वैसे तंग कर रहे थे सालों से, ये और लड़कियों के साथ भी अफेयर लगाता है। करो ठीक है, नहीं कर रही, ये झूठ बोल रहा है। आंटी जी जो आप हरकत की हो ना, वो हरकत ना आपका फिल्म बना है, वहाँ पे वीडियो बना है, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, दोबारा सुनाओ रिकॉर्डिंग तुम्हें, इसने खुद करी है। क्या सही है क्या गलत है ना, वो तो दिख गया, ये नाटक कर रहा है बिल्कुल ही, और सच में आपकी उम्र का लिहाज कर रहा है, जो आपको हम कुछ बोल नहीं रहे, वरना कितने सारे लोग ना यहाँ पे धूल चाटते गए। मम्मी मतलब झूठ बोल रहा है ये लड़का, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये हमारी जायदाद हड़पने के लिए है, ये हम दोनों को सब कुछ दोनों को धोखा दे रहा है। बहुत समझा, ऐसा मत करो, पर ये फिर भी हमेशा ऐसे टच वगैरह फ्लर्ट करती थी, मैं नशे में था उस दिन, तुम्हें मैंने बोला ना, ये सब झूठ बोल रहा है, ये सब कुछ झूठ है। ये उम्र है क्या मम्मी? ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे फंसाया है। मैं बेटी का साला, तुम जिंदगी खराब, इसने मुझे फंसाया दो दिन, इनने मुझे भी पिला दी थी। तुमने इसे फंसाया? क्या कुछ हुआ है ना तुम्हारे सामने, मैंने लेके आ गया ये बेचारा, क्या गलती है या सही है? मैं तो अगर ये गलत रहता ना, यहाँ पे गाड़ देते कबर खोन के, मैं ही मार देती। पता है मैं माँ हूँ, तुम क्या करूँ, मैं सारा चीज रिकॉर्ड कर लिए यहाँ पे, ये माइक है और ये कैमरा लगा के ना रिकॉर्ड करके फिल्म बना लिया, और ये फिल्म को ना पूरा दुनिया को दिखाएंगे, समझे? मैं तो इसे गलत समझ रहा था साला, ये देव मानुष निकला, ये तो है बोल ना रे, तू देव मानुष है बोल, नहीं तू गलत नहीं किया,
तू नहीं समझा, तूने भी गलत की है मेरे साथ। अरे चुप रहो आंटी, तूने मुझे फोर्स किया था, मैंने समझाया था ना सारा, इसमें मेरी गलती नहीं थी यार। मम्मी चला ऐसा किस्से कहानी ना फिल्मों में देखा करते थे, यहाँ पे सच्चाई दिख रहा है कि भाई एक भाई सार इमोशनल कर दिया था, बच्चा पेट में रखी हुई है। भाई बंद करो कैमरा होना भाई, और मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया के समाज के सामने रख रहा हूँ कि भाई देख लो ये भाई माँ को देखो क्या हाल हो रखा है इसका। दमाद जी आजा, दमाद जी बंद करो यार वीडियो, और ना मैं पूरी दुनिया के सामने अभी रखूंगा ये वीडियो। जो करना है ना वो करो, और ऐसे ऐसे बच्चे ना कितना बाहर रखी है, कितना पल रहे पूरे गाँव में, पूरे गाँव का बच्चा पेट में लेके घूम रही है क्या, यही सब सुनने लायक हो तुम? बंद करो यार वीडियो, मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ पूरे दुनिया के सामने, डाल दो अब बताओ सारा।